लॉ की छात्रा से छेड़छाड़ और गलत करना सीनियर एडवोकेट निरंजन कुमार के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। बुधवार को उनके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लॉ स्टूडेंट्स उन्हें गिरफ्तार होने के बाद जमानत होने पर जमकर बवाल कर रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं की मांग है कि आरोपी एडवोकेट का लाइसेंस भी रद्द किया जाए और जमानत रद्द कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। इस दौरान उनकी मांगों के समर्थन में प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का नारा गूंज रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ध्यान दो, वह तुम्हारी बेटी है जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। बुधवार को हाईकोर्ट के पास लॉ छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई सीनियर वकील भी पहुंचे। सीनियर एडवोकेट अलका वर्मा ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया के लिए जांच और पूछताछ हो रही है, बार काउंसिल कार्रवाई कर रही है, एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन यह प्रदर्शन जरूरी था। गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले भविष्य के वकील आगे आ रहे हैं, तो इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। पटना हाईकोर्ट की महिला वकीलों ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी अधिवक्ता निरंजन कुमार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट प्रशासन से गुहार लगाई कि स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई करे। उन्होंने अपने प्रस्ताव में हाईकोर्ट प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, साथ ही मामले की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाए। महिला अधिवक्ताओं की मांग है कि पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। महिला अधिवक्ताओं ने एक आम सभा बुलाकर यह प्रस्ताव पारित किया कि जब तक बिहार स्टेट बार काउंसिल द्वारा आरोपित अधिवक्ता के लाइसेंस को रद्द करने पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आरोपित अधिवक्ता के हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। महिला अधिवक्ताएं इस बात से नाराज है कि अधिवक्ता निरंजन कुमार पर उनके ही इंटर्न ने आपत्तिजनक हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। बता दें कि लॉ की एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि 25 दिनों के इंटर्नशिप के अंतिम दिन सीनियर वकील ने उसके दोस्त को नीचे भेज दिया और जबरन ऑफिस में अपने पास बिठा लिया, फिर दरवाजा बंद करने को कहा तो छात्रा ने आपत्ति जताई। पटना के शास्त्री नगर पुलिस ने पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट निरंजन सिंह को उनके निवास स्थल गजाधर कैलाश अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। अब बताते चले कि आरोपित अधिवक्ता निरंजन कुमार पर लगे आरोप पर संज्ञान लेते हुए बिहार स्टेट बार काउंसिल ने सर्वसम्मति से उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर बताने के लिए कहा है कि क्यों न उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए। बार काउंसिल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि उक्त मामले में तथ्य का पता लगाने के लिए दो पुरुष अधिवक्ता और एक महिला अधिवक्ता की एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें बार काउंसिल के सदस्य नहीं रहेंगे। ये कमेटी 10 दिनों के भीतर अपना रिपोर्ट देगी। अधिवक्ता निरंजन कुमार को आगामी 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे बिहार स्टेट बार काउंसिल के जनरल बॉडी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना है। इस मामले में आरोपित अधिवक्ता को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड concept by the study materials.